नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप काफी टाइम से बोल रहे थे मैम स्पेक्ट्रम के आगे की जो वीडियोस है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों, अब से मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ स्पेक्ट्रम की वीडियोस। तो दोस्तों, स्पेक्ट्रम के ऑलरेडी हमारी 3 वीडियोस बन चुके हैं, मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 कम्प्लीट हो चुका है, चैप्टर 3 का पार्ट 1 बन चुका है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देखिए और फिर इस वीडियो पर आइएगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो है स्पेक्ट्रम चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, ये है आपका पार्ट 2। ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है, इस वजह से ये कई पार्ट्स में हम बनाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, डच पुर्तगालियों के बाद जो आते हैं भारत में वो आते हैं डच। स्पेन का पतन होने के पश्चात क्या होता है कि जो पुर्तगाली शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, वो क्या होती है, बिखर जाती है। और जो 17वीं शताब्दी है उसके मध्य तक क्या डचों ने उसका स्थान क्या ग्रहण कर लिया होता है। तो ऐसे ही सबसे पहले जो कॉर्नवालिस डी हाउपमैन, क्या नाम था, कॉर्नवालिस डी हाउपमैन, पहला ऐसा डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। कहां पर? सुमात्रा और बंताम पहुंचा, ये नाम याद रखिएगा। अब भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जैसे कि पुर्तगाली भी क्या भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे, उसी तरीके से जो डच भी थे वो क्या, उनका जो मेन मोटिव था वो व्यापार करना ही था। तो इसलिए क्या जो डच थे, 1602 में क्या हुआ था, डच संसद ने, 1602 में डच संसद ने एक उद्घोषणा पारित की जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्थापना हुई। अब ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोला जाता है, इसको एक नाम और दिया गया है, डच संयुक्त कंपनी। क्या? डच संयुक्त कंपनी भी इसको बोला जाता है, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1602 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, 1605 में मुसूलीपट्टनम, ये मछलीपट्टनम नहीं है, ये है मसूलीपट्टनम। ठीक है, ये स है। मसूलीपट्टनम में क्या इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डचों ने कहां पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो कहां पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, 1605 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। चलिए आगे देखते हैं, डचों ने और कहां कहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। देखिए, डचों ने पुलिकट, सूरत, विमलीपट्टनम, करिकल, चिंसूरा, पटना, बालासोर, नेगापट्टनम, कोचीन, यहां पर क्या अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। वैसे सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तब भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो पुलिकट है, ठीक है, जो पुलिकट है यहाँ पर उन्होंने जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी वो की थी 1610 में। कहाँ पर? 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में। सूरत और पुलिकट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। विमलीपट्टनम में 1641 में की थी, और जो 1663 में, कहाँ पर की थी, 1663 में कोचीन में उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी वो स्थापित की थी। बाकी सबके सन याद करना इतना जरूरी नहीं है इसलिए मैंने मेन मेन के आपको बता दिया। ठीक है, 1663 में कोचीन में, 1610 पुलिकट, 1616 सूरत, और विमलीपट्टनम में 1641। चलिए आगे देखते हैं, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ और मध्य 17वीं शताब्दी में इन्होंने पुर्तगालियों पर क्या अपना प्रभुत्व रखा और सबसे अधिक प्रभावी सत्ता के रूप में क्या ये उदित हुए। जब तक भारत में अंग्रेज नहीं आए इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों पर भी अपना क्या प्रभुत्व रखा और ये सबसे अधिक प्रभावी सत्ता के रूप में क्या हुए, ये उदित हुए। अगर इनके मुख्य केंद्रों की मैं बात करूं तो जो इनके मुख्य केंद्र है वो थे पुलिकट और नागपट्टनम। पुलिकट और नागपट्टनम ये कहां पर है, अभी तमिलनाडु में। ठीक है, कहां पर है, तमिलनाडु में। तो ये याद रखिएगा कि इनके जो डच थे उनके मुख्य केंद्र थे पुलिकट और नागपट्टनम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक चीज और कि जो डच थे उनकी फैक्ट्री की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जो पुलिकट में स्थित
गैलरी थी, ठीक है, उसमें गैलरिया के दुर्ग को छोड़कर, कौन से, गैलरिया, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैलरिया के दुर्ग को छोड़कर भारत में किसी भी बस्ती की उन्होंने क्या किलेबंदी नहीं की थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उन्होंने क्या पुलिकट से गैलरिया के दुर्ग को छोड़कर भारत में किसी भी बस्ती की क्या उन्होंने किलेबंदी नहीं की। बस्ती मतलब कारखाना, ओके। चलिए अब डच कंपनी ने क्या गोलकुंडा के सुल्तान से कम शुल्क पर व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। देखिए ऐसा नहीं था कि जो डच थे उन्होंने केवल गोलकुंडा के सुल्तान से ही कम शुल्क पर व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने ऐसे कई नायक थे जैसे कि मदुरई, ठीक है, जैसे कि मदुरई, तंजौर, जिंजी, एक जगह का नाम है जिंजी, यहाँ के नायकों से भी क्या उन्होंने जो व्यापार करने की अनुमति ली थी कम शुल्क पर। अगर मैं बात करूं बंगाल की, तो बंगाल में चिंसुरा, क्या बंगाल का जो चिंसुरा था वो डचों का क्या प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, ये याद रखिएगा, जो चिंसुरा था वो डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। चलिए आगे देखते हैं, कोचीन में मुट्टा शासन ने डचों को काली मिर्च के व्यापार के लिए विशेष व्यापारिक सुविधाएं क्या प्रदान की थी। अब मैं थोड़ा सा डचों के व्यापार के बारे में बताती हूँ कि जो डच थे, ठीक है, जो डच थे वो क्या एशिया संपर्क के आरंभ चरण में जो डच थे वो मूलतः काली मिर्च और अन्य मसालों में क्या रुचि रखते थे। उनकी जो मुख्य रुचि थी वो किसमें थी, काली मिर्च और जो अन्य मसाले जो भारत में मिलते थे उसमें इनकी रुचि थी, ओके। तो ये क्या मुख्यतः जो इंडोनेशिया में जो मसाले मिलते थे, तो जो मुख्य केंद्र था डचों का वो क्या इंडोनेशिया ही था, ठीक है, क्या था, इंडोनेशिया ही था। इसलिए जब वो भारत आए तो जो कोरोमंडल तट है वहां पर उन्होंने भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया से लाकर क्या काफी मुनाफा भी कमाया था, ओके। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि डचों को उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल क्षेत्र में वस्त्र व्यापार शुल्क मुक्त कर दिया गया था, बल्कि अन्य कंपनियों को यहाँ पर क्या शुल्क देना होता था। अब ऑब्वियस सी बात है कि इनको व्यापार में शुल्क मुक्त कर दिया था तो क्या इन्होंने क्या किया, वस्त्र लाए और ढेर सारा मुनाफा कमाया। चलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, फ्लूट शिप का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये डचों द्वारा बनाया गया क्या एक हल्का और अद्भुत जहाज था, क्योंकि बहुत कम लोगों के द्वारा ये चलाया जा सकता था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा फ्लूट शिप के बारे में कि फ्लूट शिप एक जहाज है जो कि डचों के द्वारा क्या बनाया गया था। कभी कभी पूछ सकते हैं कि किसके काल में फ्लूट शिप बनाया गया था, तो डचों में, डचों के टाइम पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, डचों ने क्या किया, दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला व्यापार पर प्रभुत्व किया। मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जो डचों की महत्वपूर्ण जो रुचि थी, डचों की मुख्य जो रुचि थी वो किसमें थी, काली मिर्च और मसाला में थी, ठीक है, काली मिर्च और मसाला में थी। तो अब क्या ये धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जमा रहे थे एरिया पे जहां पर क्या मसाला मिलते थे, मतलब वो मसाला व्यापार पर क्या अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, दक्षिण पूर्व एशिया का जो मसाला व्यापार था उस पर उन्होंने अपना प्रभुत्व किया। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने यमुना घाटी मध्य भारत में नील का उत्पादन, कपड़ा, सिल्क का बंगाल में, गुजरात एवं कोरोमंडल, बिहार, सॉल्ट पीटर और अफीम और चावल का उत्पादन गंगा घाटी में किया। देखिए ये पॉइंट होने को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको पता रहना चाहिए, अगर आप मेंस में अगर आ जाता है, वैसे यूरोपियों का आगमन का नहीं आता है, पर अगर आ जाता है तो देखिए आप लिख सकते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर यमुना घाटी मध्य भारत में का जो क्षेत्र था वहां पे नील का उत्पादन, कपड़े का उत्पादन और जो सिल्क का था वो कहाँ पर, बंगाल, गुजरात में और कोरोमंडल, बिहार और सॉल्ट पीटर जैसी जगहों पर उन्होंने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तीन आंग्ल डच युद्ध यूरोप, ये क्या लिखा हुआ है, यूरोप में लड़े गए जिसमें अंग्रेजों की क्या हुई, विजय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, तीन आंग्ल डच युद्ध यूरोप में लड़े गए जिसमें क्या अंग्रेजों की विजय हुई। उसमें से ही जो एक युद्ध था वो था 1759 में लड़ा गया युद्ध, बेदरा का युद्ध,
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बेदरा का युद्ध जो कि किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था डच और अंग्रेजों के बीच में। और ये क्यों हुआ था, ये हुआ था बंगाल क्षेत्र में संविधान प्राप्ति के लिए, सॉरी बंगाल क्षेत्र में संशोधन प्राप्ति के लिए क्या ये युद्ध लड़ा गया था। कहां पर, बंगाल क्षेत्र में संशोधन प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो ये क्या युद्ध लड़ा गया था, इसको चिंसुरा का युद्ध भी बोलते हैं। इसका कहते हैं चिंसुरा का युद्ध भी बोलते हैं। तो बेदरा का युद्ध हमेशा याद रखिएगा कि डच और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने क्या डचों को पराजित कर दिया था। और जैसे ही अंग्रेजों ने पराजित किया, डच भारत से चले गए और जो उनकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं थी वो सारी खत्म हो गई, क्योंकि अब क्या अंग्रेज शक्ति आ गई थी भारत में। ओके, तो अंग्रेजों द्वारा क्या पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं क्या खत्म हो गई। ओके चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और जान लीजिए कि डचों का ध्यान था वो भारत में साम्राज्य के निर्माण से ज्यादा किस पर था, व्यापार में था। तो ये तो आपको अभी समझ ही आ गया होगा कि उनका जो मेन मोटिव था वो साम्राज्य का निर्माण करना नहीं था, उनका जो मेन मोटिव था वो व्यापार करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेज। अब जो नेक्स्ट यूरोपीय शक्ति आती है वो आती है आपकी अंग्रेज। देखिए, अगर मैं अंग्रेजों की बात करूं तो जितनी भी यूरोपीय शक्तियां भारत में आई उसमें सबसे जो सफल हुए थे, जितनी भी यूरोपीय शक्तियां क्या भारत में आई उसमें जो सबसे सफल थे वो थे अंग्रेज, और जो भारत में अपना प्रभुत्व जमा सके वो भी थे अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेज ऐसी यूरोपीय शक्तियों में जो भी भारत में आए सबसे सफल यही थे। चलिए देखते हैं अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता। 1599 में सर्वप्रथम कौन आया था, व्यापारी मिल्टन हॉर्स क्या आया था, भारत आया था। ये याद रखिए ना कि सर्वप्रथम वैसे पूछा नहीं जाता है यूपीएससी में, बट जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं या वनडे आपके एग्जामिनेशन होते हैं एसएससी रेलवे के, तो वहां पर ही पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम कौन अंग्रेज भारत में आया था या सर्वप्रथम कौन सा डच भारत में आया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो 1599 में कौन आया था, सर्वप्रथम मिल्टन हॉर्स क्या आया था, भारत आया था। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर द्वारा, देखिए महारानी जो एलिजाबेथ थे उसके प्रथम चार्टर द्वारा क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो कि 1600 ईस्वी में हुई थी। ओके, कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। अब क्या था मेन, तो क्या था, इनको व्यापार का विशिष्ट अधिकार प्रदान करने ही था। ठीक है, व्यापार का जो अधिकार था वह प्रदान करना था। शुरुआत में क्या था, ये विशेष अधिकार इन्हें 15 वर्षों के लिए मिला था। कितने के लिए मिला था, 15 वर्षों के लिए मिला था। परंतु क्या हुआ था बाद में, ठीक है, बाद में क्या हुआ, 1609 में एक और आदेश पत्र जारी किया गया जिसे ये जिससे क्या इसे अनिश्चित काल के लिए, अब के लिए अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया, इसे विस्तारित कर दिया गया। और ये कब हुआ था, ये हुआ था मई 1609 में। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि शुरुआत में जो उन्हें अनुमति मिली थी वो कब के लिए मिली थी, 15 वर्षों के लिए मिली थी, परंतु बाद में क्या इसे अनिश्चित काल के लिए क्या विस्तारित कर दिया गया था। ओके, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी के साथ व्यापार करने का क्या था, विशेष अधिकार प्राप्त हुआ था, किंतु 1609 के चार्टर के द्वारा इस विशेष अधिकार को अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। यही चीज मैंने अभी आपको समझाई। देखिए अब क्या था, जैसे कि डचों का जो ध्यान था मैंने आपको क्या बताया था, काली मिर्च और किस पे था, काली मिर्च और मसालों पे था। तो उसी मोटे से क्या जो अंग्रेज थे उनका भी शुरुआती जो ध्यान था वो किसमें था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका जो ध्यान था वो व्यापार में ही था, जो मसालों का व्यापार था उसमें ही था, और इसके साथ साथ वस्त्रों में और नील में, ठीक है, इसमें था इनका आरंभ में जो ध्यान था। उसके बाद क्या हुआ, ये अपना क्या जो व्यापार थे वो बढ़ाते चले गए और अपना कई स्थानों को क्या हस्तांतरित भी ये करते चले गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुगल शासक जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 में आगरा पहुंचा था। ठीक है, देखिए कब पहुंचा था, जो गुजरात में, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि गुजरात में कहां पर, गुजरात में सूरत में कार
खोलने के उद्देश्य से। क्या जो विलियम हॉकिंस था वो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में क्या भेजा गया था, जो कि कब 1609 में क्या आगरा पहुंचा था। अब उसने क्या किया, यहाँ पर सूरत में बस्ती स्थापित करने की क्या अनुमति मांगी, परंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण क्या उन्हें यह अनुमति नहीं मिली। ठीक है, पुर्तगालियों ने क्या इसका विरोध कर दिया तो उसे यह अनुमति नहीं मिली। अब क्या हुआ, 1612 में, कब 1612 में कैप्टन वेस्ट ने सूरत के निकट स्वाली में पुर्तगाली बेड़े को पराजित किया, जिससे प्रभावित होकर जहांगीर ने 1616 में सूरत में बस्ती स्थापित करने की क्या इन्हें अनुमति दे दी थी। तो देखिए 1612 में क्या किया इन लोगों ने, 1612 में इसने क्या किया, कैप्टन वेस्ट ने, इन्होंने सूरत के निकट ही जो स्वाली था वहां पर पुर्तगाली बेड़े को क्या इन्होंने पराजित कर दिया। अब जो जहांगीर था वो इनसे क्या हो गया, प्रभावित हो गया, और उन्होंने जो अनुमति उसे नहीं दी गई थी सूरत में कारखाना खोलने की वो उसको क्या दे दी गई। ओके, तो 1611 में अंग्रेजों ने उसकी प्रथम बस्ती मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कहां स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली अंग्रेज बस्ती स्थापित की थी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हॉकिंस एवं सर थॉमस, ये थॉमस है ठीक है, थॉमस रो की, ये थॉमस ठीक है। अब बात करते हैं हॉकिंस एवं थॉमस रो की। तो देखिए कंपनी का जो पहला प्रतिनिधि था, कौन पहला जो प्रतिनिधि था, वो हॉकिंस ही था। अब विलियम हॉकिंस भी क्या 1609 में, कब 1609 में वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन इसको भी सूरत में कारखाना खोलने की क्या अनुमति नहीं मिली। ओके, इसको भी अनुमति नहीं मिली। अब क्या हुआ, सर थॉमस रो 1615 में इंग्लैंड की सम्राट जेम्स प्रथम का क्या प्रतिनिधि जहांगीर के दरबार में आया, और 1619 तक ये क्या जहांगीर के दरबार में रहा। ओके, जहांगीर के दरबार में रहा, परंतु इसे भी क्या अनुमति नहीं मिली गई, अनुमति नहीं मिली। पर यह हुआ कि जो मुगल शासक जहांगीर था उनसे जो वाणिज्यिक संधि थी, क्या जो वाणिज्यिक संधि थी उसको करने में क्या रहा, असफल रहा। परंतु जो मुगल शासक थे उसने क्या भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाना स्थापित करने की क्या इन्हें कुछ विशेष अधिकार जरूर दे दिए थे। ठीक है, विशेष अधिकार इन्हें जरूर मिल गए थे, इसलिए ये थॉमस रो क्या फेमस है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार। अब अंग्रेज क्या अपना व्यापार क्या बढ़ा रहे थे, तो जैसे ही अगर वो व्यापार बढ़ाएंगे तो अलग अलग स्थानों में क्या अपना व्यापारिक विस्तार करेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने कई जगह पर अपने कारखाने खोले, जैसे कि अंग्रेजों ने सूरत, मसूलीपट्टनम, भड़ोच, अहमदाबाद आदि में क्या अपनी व्यापारिक बस्तियां क्या स्थापित कर ली। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने 1640 में मद्रास को चंद्रगिरी के शासक से छीन लिया और यहाँ पर उन्होंने सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या छीनकर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया था, तो 1640 में उन्होंने मद्रास को चंद्रगिरी के शासक से छीन लिया था और यहीं पर क्या सेंट जॉर्ज किले का क्या निर्माण किया था। 1661 की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से क्या विवाह कर लिया, जिसमें दहेज स्वरूप क्या मिला उन्हें, बंबई टापू मिल गया, मतलब जो बंबई का क्षेत्र था वो उन्हें क्या मिल गया। देखिए पहले जमाने में क्या होता था, जो ये विवाह भी होते थे वो एक तरीके की व्यापारिक संधियों से, व्यापारिक संधि करके ही होते थे। तो जब चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किया तो उन्हें दहेज में क्या मिल गया, बंबई टापू मिल गया। ऐसे ही अब क्या हुआ, 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो सूरत से क्या बंबई लाया गया। कहां पर लाया गया, सूरत से बंबई लाया गया। तो ये डेट याद रखिएगा कि 1687 में ये हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी भारत
अपनी कंपनी का बढ़ता प्रभाव। अब थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेंगे कि कैसे कंपनी जो अपना प्रभाव थी वो बढ़ा रही थी। तो देखिए 1633 में क्या हुआ था, ओडिशा के बालासोर और 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने क्या स्थापित किए। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी कि जो अंग्रेज थे वो अपना व्यापारिक विस्तार कर रहे थे, तो वो क्या भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्या अपने कारखाने बना रहे थे। तो ऐसे उन्होंने 1633 में ओडिशा में किया, ओडिशा के बालासोर में, और 1651 में बंगाल के हुगली में किया था। 1658 में उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट पर क्या किया, सेंट जॉर्ज किले का नियंत्रण में आ गए। जो उन्होंने सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था मद्रास में, उसमें क्या 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल जो क्षेत्र थे वो क्या इसके नियंत्रण में आ गए। अब आगे देखते हैं, 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की क्या अनुमति मिल गई। देखिए जो मुगल सम्राट थे उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी पर जजिया कर लगा दिया। जजिया कर लगाते ही कंपनी को क्या हुआ, सूरत के अलावा जितनी भी जगह थी उन पर क्या सीमा शुल्क रहित क्या व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी, मतलब उन्हें क्या सीमा शुल्क नहीं देना पड़ रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब कोलकाता में व्यापार की शुरुआत कैसे हुई। देखिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने क्या किया था, 3000 वार्षिक रकम के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी थी। देखिए उस समय जो 3000 रुपए भी होते थे वो काफी बड़े होते थे, तो जो मुगल बादशाह औरंगजेब थे उन्होंने क्या किया था, 3000 वार्षिक रकम के बदले उन्होंने क्या कर दिया था, व्यापार को क्या कह दिया कि आप मुक्त व्यापार कर लो, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ 1698 में, 98 में कंपनी ने 1200 सुल्तान की गोविंदपुर और कलिकत्ता, ये बाद में कलकत्ता बन गया था, कलिकत्ता गांव की क्या जमींदारी मिल गई। अब क्या 1698 में कंपनी ने क्या किया, सुल्तानती गोविंदपुर और कलिकत्ता गांव में अपनी क्या जमींदारी मिल गई। और 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में क्या आ गए, जिनका जो मुख्यालय था वो कहां पर था, फोर्ट विलियम नामक किलेबंद बस्ती में था। बेटा ये फोर्ट विलियम जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम इसके बारे में देखा करेंगे, ठीक है। अब देखिए कलिकत्ता नाम का क्या अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया, पहले कलिकत्ता था फिर क्या इसका अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता इसे नाम दे दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते, फर्रुख हसियार फरमान एवं कंपनी व्यापार का विस्तार। अब ये फरमान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो मुगल साम्राज्य था वो कमजोर हो गया। अब जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसका लाभ उठाया, ठीक है। अब जब इन्होंने इसका लाभ उठाया तो 1717 में क्या हुआ, जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुख हसियार से फरमान पाने में सफल रहा, जिससे 1691 के फरमान के निमित्त सुविधाएं गुजरात और दक्कन में क्या बढ़ा दी गई थी। तो ये जो फरमान था ये था, ठीक है, जहां पर गुजरात और जो दक्कन का क्षेत्र था वहां पर क्या जो सुविधाएं थी वह क्या बढ़ा दी गई थी। 1617 में मुगल बादशाह फर्रुख हसियार ने कंपनी को विभिन्न विशेष अधिकार क्या प्रदान कर दिए गए थे, ठीक है, क्या कर दिए गए थे, विशेष अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। और यही इसी तरीके से उन्होंने क्या अंग्रेज जो व्यापार था अपना बढ़ाया और धीरे धीरे क्या अपना भारत पे अधिकार करने लगे। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि फ्रांसीसी आए फिर डेन आए तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर पार्ट 2, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।